इतना बदला कति शर्माना छोड़ दिया और नई नई लई रीत धार व्यवहार पुराना छोड़ दिया शब्द है। अगर शब्द श्रोता के पल्ले पड़ जाए तो हमारा गाना और आपका सुनना ठीक है, वरना बेकार है। और भाई एक हाथ जोड़ के मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ आपसे, किसी भी कलाकार की, किसी भी रागनी की कोई भी लाइन अच्छी लगा करे ना और समझ में आ जाया करे तो भले आदमी और ताली बजाते रहा करो, क्योंकि आपको पता है एक नेता को, अभिनेता को और एक कलाकार को ये तालियां ऐसे लगती हैं जैसे जापे वाली औरत को घी लगता है। अगर आप ताली देते रहोगे ना तो हम ये समझेंगे हमें घी खवा रहे हो, ताकत देते रहो। पहली कली में बताया क्या? पहले जमाने में जब लड़कियों की या लड़कों की शादी करते थे तो घर वाले रिश्ते ढूंढते थे, नाई ब्राह्मण रिश्ते ढूंढते थे, लेकिन आजकल तो लव मैरिज चल गई है। माँ बापों को लड़का लड़की देखने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, पसंद कर लेते हैं, हो गया भा, ऐसे चट प्या चट मट ब्याह हो जाते हैं। पहली कली में क्या सुन, क्या लिखा सुनिए। हेरे नाई ब्राह्मण वरट होवे थे, नाई ब्राह्मण वरट होवे थे, जोग मिला के अपनी साख आप खोदे से पहला पीस बुला के सेवा करके राजी करते अच्छा खिला पिला के हापी कहने उठ चले जा पाछे हाथ हला के हापी कहने उठ चले जा पाछे हाथ हला के साली की घर में आव भगत रे साली की घर बजनी इतना होता है कि टूट जाएंगे बीच में से ही। दूसरी कली में क्या कुछ बताया सुनिए, क्या क्या बताया।
बावन गज का घूम घाघरा, ओ बावन गज का घूम घाघरा, वो काला दामन कड़े गया, मीटर चार भत्ते रे आज हो, मीटर चार भत्ते आज हो, यो भी फैशन एक नया, आधा बदन उघाड़ा रहता कुछ भी जाता नहीं गया, चीर जरी का होया करे था उसका भी ना बसर रहा, चीर जरी का होया करे था उसका भी ना बसर रहा, हे रख खुले सिरियो पीर फिरे से, खुले सिरियो पीर फिरे से, बनना चाह रहे हैं, उलट पुलट मामला हो रहा है। तीसरी कली में सुनिए क्या बताया, हेरा छोरी चाहवे छोरा बन जा, छोरी चाहवे छोरा बन जा, और छोरा चाहवे छोरी फैशन का नहीं देखोगे तो उलट कहानी हो रही, अगर पड़ोसी कहते सारे माँ बापों की कमजोरी, कहूँ बिना ना बेटा डटता और बेटे बिन ना बोरी, बहू बिना ना बेटा डटता और बेटा बिन ना गोरी, हो रखो किसे की माने नाम, रखो किसे की माने नाम, जिन ठोर ठिकाना छोड़ दिया, नई 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 रीत धार जब हार पुराना जाते हैं कि वो गलती एक बार हो तो जाती है, लेकिन होने के बाद सारी जिंदगी उसका पछतावा कितने ही करते रहो, लेकिन उस भंवर में फंसने के बाद निकल नहीं पाते। आखिरकार
आत्महत्या करके कई बार मरना पड़ जाता है। लास्ट कवि में कली में कवि ने यही बताया है क्या? कि भाई जो पहले लोग थे वो हर काम को हर बात को इतनी सोच समझ के किया करते थे कि कहीं कोई मर्यादा भंग ना हो जाए। आजकल की पीढ़ी को मर्यादा की कोई चिंता नहीं रही है। और सुनिएगा लास्ट कली में क्या। पिता गुरु छोटे बड़े की कितनी शर्म करे थे, मेहनत की रोटी खा के ने अपना पेट भरे थे। मर्यादा कद भंग न हो जा न्यू भी घने डरे थे। आज की तरिया आत्महत्या करके नहीं मरे थे। आज की तरिया आत्महत्या करके नहीं मरे थे। हेरे जगन्नाथ ने समय देख के होकर जवान कैसे कंपनी के जवान म्यूजिक के मालिक आदरणीय पवन जून जी, क्योंकि प्रोग्राम में खींच के लाए आ नहीं रहे थे, उनका भी चौधरन के बिन मन नहीं लगता, पर इस लाइन पर खुश होकर 200 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित कर रहे हैं। जून साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय रामेश्वर पंडित जी नानकपुर से, वो भी इस रागनी पर खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पंडित जी का बार बार धन्यवाद करते हैं।